our channel. Thank and you. Congratulations. Like trailer is amazing. It is going super duper hit. आप से जानना चाहेंगे personally किस तरीके से response आ रहा है fans का. यार बहुत सही रिस्पॉन्स आ रहा है बिकॉज मैंने पहले एक्चुअली सोचा नहीं था कि यू नो ट्रेलर ऐसे ग्रैंड बन जाएगा, शो इतना ग्रैंड बन जाएगा. बिकॉज आप जब शूट करते हो, जब ये होता है ना, तब आपको समझ में नहीं आती आधी चीज़ें, यू नो. बट व्हेन आई सॉ इट, आई पर्सनली रियली लव्ड इट. एंड मुझे लगा फिर उसके बाद यू नो ऑडियंस एक्सेप्ट कर पाएंगी या नहीं. देन आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम एवरीवेयर एंड ट्रस्ट मी, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया. अब्रॉड में मेरे बहुत फ्रेंड्स फैमिलीज रहती है, उनके फ्रेंड्स रहते हैं. दे स्टार्टेड टेक्सटिंग मी, दे स्टार्टेड कॉलिंग मी एंड मुझे पूछ रहे थे कि यार मैं ऐसे ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स में नहीं है, तो सॉरी एम आई सपोज टू से ब्रांड्स, आई मीन इट्स ओके. सो तो यार तो हम लोग देखे कैसे, तो फिर मैंने उनको बताया कि Z5 पे आप लोग अब्रॉड में देख सकते हो. एंड वो वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. लाइक वैसा कुछ शो उन्होंने पहले नहीं देखा है इंडियन प्लेटफॉर्म में, इंडियन वेब सीरीज में. सो या आई मीन it's I hope you really like the entire show as much you like the trailer. Definitely. For me, when you got the offer, it was your sudden decision or you took time little and thought about it and then took the decision? So when they actually called me in January, that time I was doing a different show, so obviously I had no dates. But then lockdown happened and you know my show went off air because of the lockdown. And after it went on lockdown, within 2 or 3 days, I got a call for this. And I said yes within a second, because the first time when I got a call for this show, I really actually regretted because, you know, I had no dates. And the way Bhavna ji did the briefing, Bhavna ji is creative, the way she did the entire, you know, briefing and character sketch and everything, I really wanted to do it. So maybe, you know, somewhere, somehow, it just worked out and I had to say yes. I had no options. Okay, थोड़ा आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे. क्या किरदार आपके बारे में, because trailer में तो पूरा आप ही छाए हुए हैं. नहीं, trailer में सब दिख रहे हैं. The best thing about our trailer is, ऐसे नहीं है कि हमने, to be very honest, I'll be very honest, हमारा कोई भी ऐसा character नहीं है जो कि secondary है. अगर ये कैरेक्टर नहीं रहता तो ये ट्विस्ट नहीं होता, अगर ये ट्विस्ट नहीं होता तो ये शो आगे ही नहीं बढ़ता. तो एवरी कैरेक्टर इज़ वेरी 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 प्रोमिनेंट. दे आर वेरी, देर इज़ नो सेकेंडरी कैरेक्टर इन एंटायर पौरुषपुर. सो आई मीन मुझे बड़ा मज़ा आया यार जब मैंने देखा. तो इवन द डांस दैट यू सॉ इन द ट्रेलर, इट टुक मी लिटरली 18 आवर्स टू फिनिश द शूट. सो सुबह से लेके नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट सुबह तक हम लोग डांस ही कर रहे थे. तो आई मीन या आई रियली लाइक इट. थोड़ा किरदार के बारे में बताया. किरदार के बारे में, वेल आई एम प्लेइंग कला. कला बेसिकली पौरुषपुर की दासी है, पर दास होने के बावजूद भी शी फॉल इन लव विद द प्रिंस जो युवराज है. आदित्य लाल इज प्लेइंग युवराज रणवीर. और ये बाद मीरावती को पता चल जाती है. और उसके बाद कैसे वो महारानी बन जाती है कला, कैसे उसके महारानी बनने के बाद उसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, फिर कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, फिर कैसे शी एक्चुअली स्टूड फॉर हर सेल्फ इन दैट सेंचुरी वेयर वुमेन हैड लॉट ऑफ बाउंड्रीज. सो दैट्स हाउ द स्टोरी, इट इज़ अ वुमेन ओरिएंटेड शो. बट कैसे कला अपने आप को ओवरकम करती है, कैसे वो चीज़ों को वो हैंडल करती है, टूट जाती है कि संभल जाती है, ये सारी चीज़ों को लेके बेसिकली ये शो बना है. Okay, अनु सर के साथ भी आपका सीन. हाँ जी. के साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? I was very nervous in the beginning when पहली बार हम लोग ऑफिस में मिले थे नरेशन के टाइम पे. जैसे जिस लिहाज से वो बात करते हैं ना, उनकी हिंदी में जो पकड़ है ना, इट इज़ आउटस्टैंडिंग. लाइक देखो मैं तो बंगाली हूँ, वैसे मेरी हिंदी तो उसे सटकी हुई है, बट नो ऑफेंस. बट जैसे वो बात कर रहे थे ना, मैं लिटरली खो गई थी उनकी बातों में. जैसे वो पोइट्री करते हैं, जैसे वो यू नो कहानी सुनाते हैं. आई वॉज स्केयर्ड व्हेन एंड फर्स्ट डे मेरा फर्स्ट सीन है अनुजी के साथ. तो सोचिए, एक तो पहला दिन पहली सीन और वो भी ऊपर से अनुजी के साथ, तो मैं बहुत नर्वस थी. तो बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ही इज सच अ सीनियर एक्टर, येट ही सो डाउन टू अर्थ. ही इज सो, ही रियली मेड मी फील लाइक यू नो आई एम ऑल्सो समथिंग. एंड कोई भी चीज़ मैं उनको पूछ सकती हूँ. मुझे बहुत ही वाइज एडवाइस मिलता था उनसे. तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद सच अ ग्रेट एक्टर एंड सीनियर एक्टर.
I have learned a lot, and you know, to be very honest, experience does talk. I mean, it does. He is outstanding. Even Milind sir's role is very strong. Milind sir is just hurt, you know. I think all we, you, all of us, we have crush on Milind sir, right? Tell me one girl who does not like Milind Suman. One girl. No idea. I think there is none. He is so hot. एंड हमारे सेट पे ऐसे होता था कि हम सारी लड़कियां ना ऐसे वेट करते थे किस दिन मिलिंद सर का शूट होने वाला है, कब होगा. हम लिटरली वेट करते थे. जिस दिन एक डांस है ना मिलिंद सर का जहाँ पे वो डांस कर रहे, उस दिन मेरा शूट नहीं था. मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैंने कब से बोल के रखा था प्लीज़ उस दिन मेरा शूट रखो, रखा ही नहीं. मैं स्पेशली उस दिन सेट पे ऐसे ही मंडराते हुए आ गई. मैं हाई गाइस आई वाज गेटिंग सम बोर्ड द होटल, तो मैं आगे सबसे मिलने, बट आई एम टेलिंग यू मैं बस वहाँ पे आई थी मिलिंद सर को देखने के लिए. ही सो अटली हॉट एंड येट आपको मिलिंद सर के साथ एवे सेल्फी नहीं मिल सकता है. यू हैव टू रियली वर्क हार्ड फॉर इट. यू हैव टू डू, इफ यू आर अ गर्ल यू हैव टू डू 10 पुशअप्स, इफ यू आर अ बॉय यू हैव टू डू 20 पुशअप्स. मैं पांच करने के बाद ही बोला मेरे को नहीं चाहिए सेल्फी, मैं नहीं कर पाऊंगी. तो आई डू नॉट हैव एनी सेल्फी विद हिम. आई थिंक मुझे चुपके से लेना पड़ेगा. नो दैट इज ट्रू, सीरियसली यू हैव टू डू पुशअप्स बिफोर यू टेक एनी सेल्फी. या मेरी नाजुक बाजुएं कुछ नहीं कर सकती. पांच के बाद मेरा हो जाता है, फिर मेरा नहीं हो पाता है. वो तो मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था इट्स सच अ बिग बजट वेब सीरीज. जब मैं सेट पे गई तब मुझे समझ में आया. मुझे सच में समझ में नहीं आया था. एक तो आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द लॉकडाउन जोन, तो आई वॉज जोन्ड आउट. सो मुझे और कार्तिक पूर्णिमा के बाद मेरे को सोचने का ही मौका नहीं मिला, क्योंकि दो तीन दिन बाद ही आई गॉट अ कॉल फॉर दिस. सो ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था कि मैं क्या काम करूँगी इसके बाद, मैं कौन सा ये करूँगी, कौन सा किस तरीके के रोल के लिए आई शुड वेट और आई शुड लुक फॉर. ऐसा मुझे सोचने का मौका नहीं मिला. बट अब मुझे पता भी नहीं था इतना बड़ा शो है. वो तो मुझे सेट में जाने के बाद, ये सब कुछ स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, ये करने के बाद, वो करने के बाद मुझे पता चला. एंड नाउ तो आई थिंक इट इज़ इवन, जब मैंने जो सोचा था उससे भी और भी बड़ी शो है ये. सो या व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट अबाउट योर रोल? बिंग कला फॉर मी इज़ वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज शी इज़, आई हैव नेवर डन सच कैरेक्टर एवर इन माई लाइफ. येट शी इज़ सो वल्नरेबल, येट शी इज़ सो पैशनेट. Again, she is a very, you know, she is not a woman who easily toot jati hai. So for me, and again, she is from those centuries jo jahan pe auraton ki baat karne ke jo tarike hote hain, chalne ke jo tarike hote hain, rehen sehen, wo sab different hai aaj ke zamane se. So being kala was the most difficult thing for me. But obviously, touch wood, my creative, my directors were very cooperative. उन्होंने मेरे साथ workshops किए, हमने एक के बाद एक स्क्रीन प्लेस पढ़े, उसके साथ हमने प्रैक्टिस की. सो देन यू नो देन आई बिकेम कला. इट वॉज नॉट अ केक वॉक. नॉट अनकम्फर्टेबल एट ऑल, बिकॉज दे मेक श्योर दैट वी आर कम्फर्टेबल वन वी आर शूटिंग एनी इंटीमेट सीन्स. नो बडी इज अराउंड अस, ओनली द डी ओ पी एंड द डायरेक्टर. देर शुड बी 5 to 7 वुमेन ऑन द सेट, सो दैट दे कैन यू नो बी दे कैन मेक यू कम्फर्टेबल. सो दे टुक केयर ऑफ एवरी थिंग. तो ऑब्वियसली अनकम्फर्टेबल नहीं थी. माई मॉम वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. आई डोंट नो वाई. She was very excited about it. I think she was way more excited than what I was. So, but yeah, it's a good experience. Yeah, you know, it's a good experience. You trust me. How you kiss a guy when nobody is looking at you, and when you kiss a guy when a camera looking at you, and other 10-15 people are also looking at you. It's a different feeling. It is a different feeling. Sorry, you can't feel anything. थैंक यू. डेढ़ घंटे लगते थे मुझे तैयार होने के लिए. मैंने प्रोडक्शन को अच्छे से बता दिया था कि अगर आपके 6 बजे भी शूट होगा तो प्लीज़ मुझे 1.5 घंटे पहले बुला लेना, क्योंकि मुझे रेडी होने में टाइम लगेगा. एंड हैट्स ऑफ टू द मेकअप आर्टिस्ट, आई मीन द वे दे यूज टू डू इट. एंड लुक एट द कास्ट, लाइक सो मेनी पीपल आर देयर, बट एवरीबडी यूज टू बी रेडी ऑन टाइम.
So hats off to the makeup artist. And it is looking at you in a royal attire. मुझे बड़ा मजा आता था यार. मैं तो ऐसे ही ना ऐसी जब मुझे कोई नहीं देखता था ना, मैं ऐसे ट्रोल करती थी, ऐसे ऐसे करती थी. फिर अगर कोई देखता तो मैं चुपचाप बैठ जाती थी. बट इट फील सो ग्रेट ना कि यार मुझे पता है मैं रियल लाइफ में प्रिंसेस तो हूँ नहीं. आई मीन आई एम गेटिंग पेड टू लिव समवन एल्सेस लाइफ. व्हाट इज बेटर देन दैट. I really enjoyed it and all those lambe baal, urte hue baal, ghagra and you know, I really liked it. Okay, even Parashpur is compared with Game of Thrones. Listen, Game of Thrones is for 5% of Indians. Like एक हमारा अगर इंडियन जितने भी ये है ना ऑडियंस है ना, अगर उसको हम बांट देते तो 5% जो लोग बचते हैं उनके लिए Game of Thrones है. पर 95% जो बचे हैं उनके लिए तो कोई शो है नहीं, तो वो क्या देखे. तो उनके लिए हम पॉलिशपुर लेके आए हैं. एंड आई थिंक द रेस्ट ऑफ द 5% दे विल ऑल्सो एन्जॉय दिस शो बिकॉज सी आई हैव वी हैव मेड लॉट ऑफ फॉरेन शोज वर्ल्ड वाइडली फेमस. बट दिस इज इट्स टाइम फॉर इंडिया सर. वी मेक श्योर दैट वी मेड दिस वन फेमस. देखो एक लड़की कुछ भी कर सकती है. मतलब इतिहास गवाह है यार. महाभारत देख लो, रामायण देख लो, युद्ध लड़की की वजह से हुआ था. तो एक लड़की सब पे भारी. सो यस आई मीन वुमेन कैन डू एनीथिंग. डू नॉट जस्ट स्टॉप हर. वुमेन आर द फ्यूचर, यू नो, वुमेन आर द फ्यूचर. सो अगर वो घर संभाल सकती है तो एक कंपनी भी बहुत अच्छी तरीके से संभाल पाएगी और एज वेल एज ए किंगडम भी संभाल पाएगी. तो आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग बट देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स स्टिल हैज़ टू बी चेंज्ड. लाइक अगर मतलब कोई माँ बाप अपनी बेटी को कहीं भेज रहे हैं शाम को, तो उनको वो फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मेरी बेटी यू नो सेफ घर वापस आएगी कि नहीं. यू नो व्हाट आई मीन. आई रियली वॉन्ट कि ये सो ऑब्वियसली माँ बाप है, उनकी जो फिक्र वो कभी जाएगी नहीं. पर एक होता है ना कि उनका वो डर कम हो जाए, ना रहे. मैं तो चाहती हूँ ना रहे, पर माँ बाप है तो वो हम चेंज कर नहीं सकते. बट यू नो आई थिंक देर शुड बी बट इट इज चेंजिंग. इट इज चेंजिंग अ लॉट. यस यस यस. आई मीन यू लुक एट ऑल द एक्ट्रेसेस लाइक फ्रॉम दीपिका पादुकोण टू प्रियंका चोपड़ा टू करीना कपूर, कंगना रनावट, शी इज़ द टॉक ऑफ द टाउन. हाउ कैन आई फॉरगेट अबाउट हर. आई मीन लुक एट देम. I mean, they're literally, you know, is the character of a film, of a 100 crores film. Yeah. It's a big thing. I mean, a lot of these actresses are, like, I think they get paid way more than the guys. Yeah, exactly. So it is changing, sweetie, it is changing. And I'm really glad that I am from this era. Wow. Okay, lastly, what do you want to say to all the fans who's giving a lot of love to your character and... always supported you. Like everybody says when they promote their show, do watch it. They always say that this is different. But I really wanted to tell all of you that you have seen the trailer. Now it is up to you, do you want to watch it or not? Because I can make sure that if you don't watch it, you will miss something really big. So you have to watch and you know, it is really worth watching. It is really worth watching. Like I have done all the dubbings, but I still want to. After the dubbing, you know, एक बार कुछ shows होते हैं ना देखने के बाद आपको लगता है कि यार repeat में कौन देखेगा. But ये शायद आप repeat में भी देखेंगे. तो please do watch Parashpur on 29th of December only on All Balaji and Z5. Thank you so much. Thank you. Thank you.